أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تو كجا من كجا بس یہ پوری زندگی ہماری एक आज़ान से लेकर हमारी नमाज तक का जो सफ़र है ये है ही यही चक्कर है कि तू कुजा मन कुजा। हमारे आका, हमारे मौला, हमारे वो महबूब हस्ती जो अल्लाह को भी महबूब है, उन्हीं से हमारा सब कुछ है, उन्हीं पे हमारी जाने कुर्बान है, उन्हीं के लिए हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। इस ज़िंदगी में जान कुर्बान करने का जब आप नारा लगाते हैं ना, तो ये नारा हर बात, जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि कुरान की जितनी आयात हैं उनके 70,000 से ज़ायद मानी हैं। सिमिलरली जब आप कहते हैं कि हुर्मते रसूल और आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा से हमें इस कदर इश्क है कि उनके ऊपर हमारी जानें फ़िदा हैं, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं अपनी जानों को कुर्बान करके। कुछ लोग सड़कों के ऊपर निकल के आते हैं, ये भी ठीक है प्रोटेस्ट करने का तरीका उनके मुताबिक। एक तरीका ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना मुआज़ना करें, अपने आप को देखें, अपनी ज़ात को देखें और अपने नफ्स को मारें। वो नफ्स मारना जो है बहुत मुश्किल काम है, और ये सारी कहानी जो ये ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये अपने नफ्स को मारने की ही है। दूसरों को मारना आसान है, दूसरों को लेट डाउन करना आसान है, मगर जब आप रुक के अपनी ज़ात, अपने आमाल, अपनी शख्सियत, अपनी हस्ती को देखते हैं और फिर अपने नफ्स को मारने की कोशिश करते हैं, तो असल दर असल वही मरना होता है हुर्मते रसूल के ऊपर, वही मरना होता है आप जब अपने आका के पैगाम को आगे लेके बढ़ रहे होते हैं। हमारा दीन जब हम उसको देखते हैं तो हमें उस दीन के अंदर जो पैगाम मिलता है वो टॉलरेंस का है, बट अनफॉर्चुनेटली हर तरफ इस वक्त जो हम हालात देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का लेवल हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, हम दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान हैं वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली टॉलरेंस इस कदर कम हो गई है, टॉलरेंस बर्दाश्त करना इस कदर कम हो गया है, दैट आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी नीड टू लर्न दिस रमज़ान। और अगर इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, हम अपने नफूस को मारने के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में ये जो अमल है ये अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल होगा कि हम अपने आप को मार दें। और वो जो हम लोगों ने खुसूसियात, वो जो सिफात, वो जो औसाफ सीखे हैं इस घराने से, आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, वो हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मार कर, और यही तो कर रहे हैं हम रमज़ान में, यही तो रमज़ान हमें सिखा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस रमज़ान हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी गुफ्तगू करें उसमें कुछ ना कोई एक आयत भी अगर हो कुरान की तो वो ज़रूर शामिल हो, और उसी के ऊपर हम अपनी डिस्कशन जो भी होगी वो किया करेंगे। और इसमें भी एक ऐसे ही शख्स की कहानी है, आप सब जानते हैं कि कुरान हकीम कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, और कुरान हकीम का जो कल्ब है वो सूरह यासीन है, और सूरह यासीन में एक खूबसूरत किस्सा है, एक ऐसी कौम का किस्सा है, एक ऐसी बस्ती का किस्सा है कि जिसने वहाँ पर जब अल्लाह ने अपना पैगाम अपने पैगंबरों के थ्रू पहुँचाया तो ना सिर्फ उनको झुठलाया गया बल्कि उनका तमस्खुर भी उड़ाया गया। ये एक बस्ती थी अंताकिया के नाम से। ये जो वाक्या है इसका आगाज़ हो रहा है सूरह यासीन की आयत नंबर 13 और 14 से, और इसमें अल्लाह सुबहाना व ताला एक बस्ती का तस्करा कर रहा है, और उस बस्ती का तस्करा, ज़ाहिर है आप लोगों ने इतनी मर्तबा सूरह यासीन पढ़ी होगी अपनी ज़िंदगी में, उसका तर्जुमा सुबह सुबह हमारे घरों में लगता है और हम उसको सुनते हैं, और सुनते हैं कि एक शख्स जो है वो दौड़ा हुआ आया
और उसने ये कहा कि इन अंबिया की गुफ्तगु, इन अंबिया की बात को मानो, क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि ये तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, ये तुमसे कोई उजरत नहीं चाहते, ये बस चाहते हैं कि अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया जाए। ये वाक्या है जो सूरह यासीन की आयात भी मैं आपके सामने पढ़ूंगी, उनका तर्जुमा पढ़ूंगी, और साथ ही साथ वो जो वाक्या है कि दरअसल हम इतना तो सुनते हैं कि वो एक शख्स आया, उस शख्स का क्या बैकग्राउंड था, उसका नाम क्या था, किस तरह से उसने आके बयान किया, उसका पसे मंज़र क्या था, वो तमाम गुफ्तगु जो सूरह यासीन की जो ये 13 और 14 नंबर आयत और फिर ये कंटिन्यू होती है उसमें जो किस्सा बयान किया गया है वो हम करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं इन आयात के तर्जुमे से। राइट, सूरह यासीन जो सूरह है उसकी आयत नंबर 13 और 14 से ये आगाज़ हो रहा है कि ऐ पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें तर्जुमा है सूरह यासीन की आयत नंबर 13 का। अल्लाह सुबहाना व तआला अपने हबीब से ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करें। जब उनके यहाँ रसूल आए थे, जब हमने उनके पास दो रसूलों को भेजा तो उन लोगों ने झुठला दिया, फिर हमने उनकी मदद को तीसरा रसूल भेजा और सब ने मिलकर ऐलान किया कि हम सब तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। ये आपने तर्जुमा, इससे आप बहुत वाकिफ़ होंगे, आपके कान फेमिलियर होंगे, ये हम सुनते हैं हर रोज़। वो बोले, यानी बस्ती वाले बोले, बस्ती वालों ने कहा कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंबिया को अपने जैसा आम इंसान समझते हैं। तो इसको भी जहन में रखते हुए आप आगे सुनिए, तुम कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आम आदमी हो और खुदा ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की कि तुम महज झूठ बोलते हो। उनके ऊपर ये बहतान लगाया गया। रसूलों ने आगे से कहा, उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। बस्ती वालों ने जब ये बात कही, जब अंबिया ने ये कहा कि हमें अल्लाह जानता है कि हम अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ पैगाम हक लेकर आए हैं और हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम तुम तक पैगाम पहुंचा दें, आगे तुम किस तरह से कर रहे हो, तुम किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हो, इसमें हमारा कोई अल्लाह की बारगाह में हम उसके लिए जवाबदेह नहीं हैं। ऑलराइट, बस्ती वाले बोले और वो कहने लगे कि हम तुमको नामुबारक समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला आज़ाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा, यानी रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज़ कर गए हो। राइट, ये यहाँ तक मैं चाहूँगी कि अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देना चाहूँगी। होता कुछ इस तरह से है कि एक बस्ती है कि जिसका नाम है अंताकिया। अंताकिया एक बस्ती थी आज से ढेरों हज़ारों साल पहले कि वहाँ पर दो अंबिया को अल्लाह सुबहाना व ताला ने उनकी हिदायत के लिए भेजा। उस बस्ती के लोग बुतपरस्ती में लगे हुए थे, मंदिर थे, पूजा करते थे, और एक बात याद रखिए कि वहाँ उस बस्ती का एक बादशाह था, उस इलाके का एक बादशाह था जिसका नाम था अंतिखश, उस बादशाह का नाम था जिसने वहाँ के पुजारियों को ख़रीदा हुआ था। आज भी हम देखते हैं कि हकूमतें जो हैं वो फिर हम लोगों ने करबला के मैदान में देखा कि हकूमत ने उस दौर के मुफ्तियान को ख़रीदा हुआ था, तो ये मामलात हमेशा से चलते आ रहे हैं, आज के दौर में भी हम ये तमाम मामला देखते हैं। तो उस दौर का, जो उस बस्ती का यानी अंताकिया का जो बादशाह था जिसका नाम था अंतखश, उसने मंदिर और पुजारियों को, जो उस ज़माने के वो लोग थे जो तकरीबन आप ये समझें कि अवामुन्नास के दिलों को कंट्रोल कर किया होता है ना, ज़ाहिर है आपको पता है रिलीजन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और रिलीजन
का इस्तेमाल करते हुए और रिलीजन के नाम को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जज्बात से खेला जाता है, लोगों को मुश्तइल किया जाता है और ये हर ज़माने में ये तमाम चीज़ें हमेशा हमेशा रहेंगी हमेशा। मगर वो जो बादशाह था उसने उस दौर के जो वहाँ पर मंदिरों में पुजारी थे उनको माल इसबाब देकर बहुत बड़ी बड़ी जायदादें देकर ख़रीदा हुआ था और वो जैसे चाहता था वो उन लोगों से हर काम निकलवाता था। यहाँ तक कि वो जो पुजारी थे वो ये पोर्ट्रे करते थे कि ये जो शख्स है, ये जो अंतिखश बादशाह है, ये ही अल्लाह का नुमाइंदा है और जो कुछ है, बल्कि यहाँ तक के उसके बुतों की, उसके बुत बना के तो उसकी पूजा की जाती थी। तो ऑल दी जो वहाँ की अवामुन्नास थे उनको कंट्रोल किया गया था उन पुजारियों के ज़रिए उस बादशाह ने। और बेरा रवि का दौर था और हर कोई एक, जिस तरह हम सुनते हैं ना कि रॉन्ग नंबर, लोगों से पैसा वसूल करते थे, लोगों से इन बुतों के नाम के ऊपर जो है वो लोगों से पैसा बटोरा जाता था और फिर उसको बादशाह की बारगाह में दिया जाता था। तो दिस इज़ हाउ इट यूज़ टू हैपन और हर किसी ने अपना अपना खुदा बनाया हुआ था। जैसे आज के दौर में किसी ने पैसे को अपना खुदा बनाया हुआ है, किसी ने शोहरत को अपना खुदा बनाया हुआ है, किसी ने माल व इसबाब को अपना खुदा बनाया हुआ है, किसी ने अपने बाल बच्चों को अपना खुदा बनाया हुआ है। सो इससे सिमिलरली हर दौर के अंदर इसी तरह से हर किसी ने अपने अपने खुदा बनाए हुए थे। उसके बाद होता यह है कि उसी बस्ती का एक शख्स था, उसका नाम था, कि आप याद रखिए कि अल्लाह के मानने वाले हर दौर में होते हैं। जब बेरा रवि का दौर होता है तो कोई ऐसा ज़रूर होता है पाक दामन, कोई ऐसा ज़रूर एक पाक दिल रखने वाला होता है जो अल्लाह को मानने वाला होता है, जो तौहीद का पैरोकार होता है। तो एक ऐसा ही शख्स उस पूरी जो बस्ती है उसमें था और वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि परेशान हाल भी होता था, अपनी कौम के लोगों को, बस्ती के लोगों को देखता था तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता था। उसका वो बहुत ही एक अच्छे दिल का मालिक था, अल्लाह की इबादत करता था, तौहीद परस्त था। उस दौर में भी जब लोगों को पूजा करता देखता था तो कहता था कि मुझे समझ नहीं आती थी। उस शख्स का नाम था हबीब नज्जार। नज्जार कहते हैं कारपेंटर को, बढ़ई को, यानी उसका जो पेशा था वो था बढ़ई था वो, और जिसे कहते हैं तरखान आप जिसे कहते हैं वो था, और कारपेंटर था। मगर वो इस कदर इन तमाम लोगों से बेजार था और ये जो कुछ दीन के नाम पर और उन लोगों के नाम के ऊपर जो पैसा बटोरा जाता था उससे वो बहुत परेशान रहता था अपनी बस्ती के लोगों के लिए भी। ही वॉज़ अ वेरी गुड हार्टेड मैन। तो जो हबीब नज्जार था उसने उस बस्ती से बहुत दूर एक कोने पे, एक सरहद के पार उसने एक अपना छोटा सा घर बनाया हुआ था। उस छोटे से घर में बनाया हुआ था, अपना काम करता था, जो काम करता था उससे कमाई जो आती थी हबीब नज्जार को, ये मैं आपको उस बंदे की बात बता रही हूँ जिसका जिक्र सूरह यासीन के अंदर आयत नंबर 13-14 ऑनवर्ड्स है। सो आपने वो ये तो सुना होगा कि एक शख्स शहर के किनारे से भागता हुआ आया, मगर वो जो शहर के किनारे से भागता हुआ आया शख्स उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो क्या होता है कि वो शख्स जो है वो भागता हुआ वो वहाँ पर अपना घर बसा लेता है, अपनी फैमिली को लेके दूर दराज इलाके में बस जाता है और उसको इस बात का, और वो जो भी कमाता है उसमें अल्लाह के बंदों के लिए, गरीबों के लिए, अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करता है, उसका सारा मामला बेहतरीन चल रहा होता है। अब जब उसको इस बात का इल्म होता है, हबीब नज्जार को जब ये ख़बर मिलती है कि इस तरह से दो और फिर एक यानी तीन अंबिया अल्लाह की तरफ से आए हैं, तो हबीब नज्जार बहुत खुश होता है और वो हबीब नज्जार इन अंबिया की बारगाह में आता है और अंबिया की बारगाह में पहुंचकर वो उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनकी बात है वो सुनता है और वो जानता है कि क्या ये बात कर रहे हैं। जब उनको ये पता चलता है, जब उसको पता चलता है कि ये अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अल्लाह के
भेजे हुए नुमाइंदे हैं तो बेहद खुश होता है कि मेरी तलाश जो है वो मुकम्मल हुई। फिर वो उनके हाथ के ऊपर बैअत करता है और कहता है कि मैं ईमान लेकर आता हूँ कि अल्लाह एक है। और वो यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि वो शख्स जो है उन तीन प्रॉफिट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस बंदे के साथ, वो ऑलरेडी जो बादशाह और वो जो कौम और बस्ती के लोग हैं उनसे गुफ्तगू कर चुके हैं अंबिया। अब जब ये शख्स आता है हबीब नजार उन तीन अंबिया के पास, तो वो ये कहता है कि मैंने तो ये पैगाम पाया और मैंने इसके ऊपर यकीन किया और मैं ईमान लेकर आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बस्ती के लोगों को जाकर इस हकीकत और इस हक का जो पैगाम है उसके बारे में बताऊँ। तो वो वहाँ से निकलता है, अपनी बस्ती वालों के पास आता है, और बस्ती वालों के पास जब आता है तो अब उसके बारे में अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में सूरह यासीन में जो कल्ब है कुरान हकीम का, उसमें क्या फरमाते हैं अल्लाह सुबहान व तआला? फरमाते हैं कि और शहर के परले किनारे से एक आदमी यानी हबीब नजार दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो। अब आपने इमेजिन ये करना है, और इसके बाद फिर ये स्पीच कंटिन्यू करता है, ए मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के पीछे चलो जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो ही सीधे रास्ते पर हैं। अब आप एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि ये अंताकिया की बस्ती है, वहाँ पर बादशाह का पूरा जिसे कहते हैं गलबा है, अवामुन नास के दिलों में मोहब्बत है उस बादशाह की और मंदिरों की और पुजारियों की। वहाँ पर आके एक शख्स तनो तन्हा आके उस दरबार में आके बादशाह और उस बस्ती के लोगों को मुखातिब करके ये कहता है कि ए लोगों, जो तुम, इसका मफहूम ये हुआ कि तुम आज से पहले जिन अपने बुतों की पूजा करते आ रहे हो, दे आर ऑल फेक, वो सब गलत हैं, मगर अगर सही रास्ता है तो अल्लाह की राह है, और इन अंबिया का रास्ता दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि ये तुमसे कोई सिला नहीं मांगते, ये तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते। आज आप देखें, आज आप किसी पीर फकीर किसी के पास जाएं, मैं किसी पीर फकीर को गलत नहीं कह रही, बट जहाँ पर आपसे सदकों के नाम पे, जहाँ पर आपसे इन तमाम चीज़ों के नाम के ऊपर पैसे लिए जाते हैं, ये जो फेक जो पीर बैठे हुए हैं जिनका हम अक्सर टेलीविजन के ऊपर देख रहे होते हैं, कितने उनके मानने वाले हैं, मगर वो सब कुछ सिर्फ पैसे के लालच में सब कर रहे हैं। और यही पैगाम हमें सूरह यासीन में मिलता है कि जो पैसे लेके आपका काम करे वो सही नहीं है और वो रॉन्ग नंबर है। सो यही वो रॉन्ग नंबर होते हैं जो आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लोग कहते हैं इतने पैसे दे दें हम ये तावीज़ देंगे, इतने पैसे दे दें आपका घर बस जाएगा। पैसों के ऊपर क्या घर अगर बसने हों तो फिर अमीरों के घर ना टूटें। सो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन्हीं चीज़ों को हमें, यही ज़ईफ़ुल एतकादी है जो होती है जब हम कुरान हकीम के इस पैगाम से दूर हो जाते हैं, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ उसको पढ़ रहे होते हैं मगर तदब्बुर नहीं कर रहे होते, हम उसको देख रहे होते हैं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर है, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्या पैगाम दिया जा रहा है। एनीवे, सो हबीब नजार, अब आप ये सोचिए कि उन सब के सामने आकर तकरीर करनी शुरू करता है, और अब वो कुरान में उस तकरीर को भी बयान किया गया है, और अल्लाह सुबहान व तआला अपने कुरान में ये इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि उसने कहा कि तुम जो तुमसे सिला नहीं मांगते वही तो सीधे रास्ते पे हैं। अब ये याद रखिए, अगर अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, आका के नाम पे, मौला के नाम पे आपसे कोई पैसे मांग रहा है ना, तो फिर वो सिला मांग रहा है, और जो सिला मांगने वाले होते हैं वो सीधे रास्ते पर नहीं होते। सो बी केयरफुल, बहुत सारे लोग आपको मैसेजेस पता नहीं क्या क्या कुछ करके अल्लाह आका मौला बीवियों का वास्ता देकर आपसे मांग रहे होते हैं। आपने अगर देना है आपकी अपनी ख्वाहिश है, आप दे सकते हैं, मगर आप किसी को इस तरह से जिसे कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते।
हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है। जैसा कि मैंने कहा कि हबीब नज्जार क्या करता था, वो जो शख्स आया है वो करता ही ये था कि वो जो कमाता था वो कुछ अपने लिए रख के गरीबों की राह में दे देता था, लेकिन इस शर्त के ऊपर नहीं, इन शर्तों पे नहीं कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे हो जाएगा और मुझे इतने पैसे दे दो। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर। और मुझे क्या है, अब ये हबीब नज्जार अपनी स्पीच दे रहा है उस दरबार में, उस हुक्मरान के सामने, हाकिम वक्त के सामने। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाकिम वक्त के सामने जो सर बुलंद करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, उनका क्या मुकाम है। और मुझे क्या है, मैं उसकी परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसकी तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? नाउ ही इज़ टॉकिंग टू दी हुक्मरान। ये उस वक्त का जो लीडर है, जो करता धरता है, और जो वहाँ पर पुजारी हैं जो अवामुन्नास को पागल बना रहे हैं, वो सब मौजूद हैं। अब ये स्पीच दे रहा है और ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान बयान कर रहा है कि उसने स्पीच क्या दी। उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाओ, अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सकेगी और ना वो मुझको छुड़ा ही सकेंगे। तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ। ये रसूलों को कहता है कि मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। इस तकरीर के बाद होता क्या है, जब ये सारी गुफ्तगू कर लेता है, ये तमाम बात कर लेता है हाकिम वक्त के सामने, सूरह यासीन अगर आप एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, जब ये गुफ्तगू कर लेता है अपने उन बस्ती वालों के सामने, उस बादशाह के सामने, तमाम पुजारियों के सामने, तो आप ये देखिए कि हज़ारों का मजमा एक तरफ और एक शख्स तनो तनहा जो हक की बात कर रहा है वो एक तरफ। अब होता क्या है कि वहाँ पर जो हेड पुजारी होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो सारा रूल करते हैं और सारा कंट्रोल करते हैं तमाम लोगों को, उनमें से एक शख्स उठता है और ये कहने लगता है कि वो शख्स उठता है और कहता है, अब आप ये देखें ना कि उसने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के और उनके आबाओ अजदाद को चैलेंज कर दिया। अब वो क्या करता है कि जी, जब तकरीर तमाम होती है तो उस शख्स, तो एक शख्स उसमें से बोलता है कि बस जो तुमने कहना था कह दिया, हमने जो सुनना था सुन लिया, अब आगे हम क्या करेंगे ये हम जानते हैं। ठीक है, कुरान हकीम ये बयान फरमा रहा है, हम जानते हैं। अब उसने क्या कहा कि उसने वहाँ पर मौजूद लोगों को इश्तआल दिलाना शुरू कर दिया, जिस तरह से अगेन आज भी हम देखते हैं, दीन के नाम के ऊपर, अल्लाह रसूल के नाम के ऊपर, आका व मौला के नाम के ऊपर इश्तआल दिलाया जाता है। फिर वो जो कुछ नहीं करने वाले होते वो भी मुश्तइल होकर सड़कों के ऊपर निकल आते हैं, राइट। और सड़कों के ऊपर निकलना बुरी बात नहीं है, हक के लिए सड़कों के ऊपर निकलना आले मोहम्मद की रिवायत है, मगर आप निकल के क्या कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स द वे यू से, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहरहाल वहाँ पर अब वो जब अपनी उसने हक की बात कह दी है, तो वहाँ पर जो मौजूद शख्स है वो इश्तआल दिलाना शुरू कर देता है, वहाँ पर मौजूद लोगों को जो अवामुन्नास हैं उनको इश्तआल दिलाना शुरू करता है। और इस तरह से अवामुन्नास को इश्तआल दिलाता है कि अब वहाँ पर जितने मौजूद लोग हैं, उनके आबाओ अजदाद, उनके जितने भी खुदा हैं जिनकी वो परस्तिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात की है हबीब नज्जार ने। बात तो ठीक की है, मगर क्योंकि उनके फ़ायदे की नहीं है, उनकी तमाम, तो वहाँ पर वो मौजूद शख्स इश्तआल दिलाता है और वहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं, हज़ारों का जो मजमा है, वो उस फ़कत एक शख्स को जो तनो तनहा है, जो अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखता है, जो उसके अंबिया के ऊपर यकीन रखता है, उनकी बात पर यकीन रखता है, और ये हिम्मत और हौसला रखता है कि वो अल्लाह के हक के लिए वो रिप्रेजेंट करता हुआ हक की बात कहता है, उसको वो तमाम लोग जो हैं इस तरह से नोच लेते हैं, इस तरह से पकड़ लेते हैं कि उसका बचना वहाँ मुहाल हो जाता है। जिसका जो मन पड़ता है, वो जिसके हाथ में तलवार होती है वो तलवार से वार करता है, जिसके हाथ में पत्थर होते हैं वो पत्थर से वार करता है, जिसके हाथ में चाकू होते हैं वो उसको चाकू मार देता है, जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, मिट्टी होती है, वो मिट्टी फेंक रहा होता है,
और तो और जिसके पास कुछ भी नहीं है, रिवायात में मिलता है कि उस शख्स के साथ इस कदर बुरा रवैया रखा गया कि उस शख्स को वहाँ पे खड़े खड़े कत्ल कर दिया गया, कि उसकी आंतें जो हैं वो उसके जिस्म से बाहर आ गईं। मगर वो राज़ी था, वो राज़ी इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह सुबहाना व ताला हक है और वो सच है और वो सच के लिए खड़ा है। और जो सच के लिए खड़े होते हैं उनके उनके साथ ऐसी ताकत होती है, ऐसी अल्लाह सुबहाना व ताला उन्हें कुव्वत अता फरमाता है कि फिर जो कुछ उनके साथ होता है उनको इस बात की फ़िक्र नहीं होती, बस उनके जहन में ये होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सलाम ही सलाम है और अल्लाह इसके ऊपर सलाम भेजता है। यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि हबीब नजार ने जब ये हक बयान किया तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे काट काट कर, जिस्म के ऊपर काट काट के उसको शहीद कर दिया। तो ये वो कहानी थी। अच्छा, जिस वक्त ये होता है तो फिर अल्लाह सुबहाना व ताला, आप देखें कई दफ़ा इस दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग जो होते हैं हम हक की बात कर रहे होते हैं तो दुनिया हमें हमारा साथ छोड़ जाती है। जैसा कि मैंने कल भी कहा कि कई दफ़ा आपके अपने हक और सच के लिए जब आप खड़े होते हैं तो आपका साथ छोड़ जाती है। तो ऐसे लोग तो ये तन्हा शख्स खड़ा हुआ है, मगर आप ये देखिए कि कोई हक पे खड़े होकर अगर इस दुनिया में भी उसका दुनियावी लिहाज से अंजाम बुरा है, अक्सर औकात ऐसा होता ना जो सच हक की वजह से अकेले रह जाते हैं तो लोग कहते हैं रुल गया है, थे बिल्कुल देखो रुल गया ऐसी ज़िंदगी किस तरह दी हो गई है। बट आप ये नहीं सोचते कि वो रुलना उस शख्स के लिए ज़्यादा बेहतर है निस्बतन उस शख्स के लिए जो नाहक खड़े होकर बर्दाश्त करना शुरू कर दे। तो आप ये मत देखिए कि किसी का अंजाम कैसे हुआ है। मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगी हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उनमें से आगे ज़ैदियों के ज़ैदीज़ जितने भी हैं वो उनकी लड़ी में से हैं। सामरा और बलद के दरमियान वो मकाम है जहाँ पर हज़रत ज़ैद की काम की ज़री है मुबारक। तो वहाँ पर आप ये सोचिए कि वहाँ पर 4 साल उनको लटकाए रखा और नाउज़ बिल्ला बरहना। सो ऐसे लोगों के लिए जो हक और सच के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अब अल्लाह सुबहाना व ताला सूरह यासीन में क्या इरशाद फरमाता है। सूरह यासीन में अल्लाह सुबहाना व ताला इरशाद फरमाता है हबीब नज्जार को, और ये बात जो हबीब नज्जार के रेफरेंस से कही जा रही है ये आने वाले दौर में हर वो शख्स जो हक के लिए तौहीद के लिए खड़ा होगा उसके लिए उसके लिए ये आती है कि अल्लाह का हुक्म आया। अब ये कुरान की आयत है, सूरह यासीन की आयत है, अल्लाह का हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। हबीब नज्जार के लिए कुरान में अल्लाह सुबहाना व ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ बहिश्त में दाखिल हो जा। और फिर आप सोचें कि वो शख्स जब बहिश्त में दाखिल हो गया तो बहिश्त में दाखिल होके भी अपनी बस्ती और अपनी कौम वालों के लिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि काश मेरी कौम को खबर हो कि खुदा ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों ने किया। तो याद रखिए जो हक के साथ होते हैं, जो सच के साथ होते हैं, अल्लाह इसी तरह से अपने पास बुलाकर उनको इज्जतें देता है। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कि और हमने अल्लाह यानी अल्लाह ने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। तो सिर्फ हुआ क्या उस कौम के साथ, क्या हुआ कि जिसने ये काम किया और ये नाहक अमल किया, तो फिर हुआ ये कि तो सिर्फ एक चिंगार थी हर तरफ, सो वो उससे नागहानी भुज कर रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक शख्स को कत्ल करने के ऊपर, एक शख्स को नाहक मारने के ऊपर अल्लाह सुबहाना व ताला सिर्फ एक चीख ऊपर से उतारेगा, एक चिंगार होगी। और वो चिंगार इस कदर थी कि कई दफ़ा हम अपने आप को कितना पावरफुल समझते हैं ना, कि क्या होगा अगर कुछ ऐसा आएगा भी तूफान, कोई घर जलाने भी आ जाएंगे तो हम घरों में घुस जाएंगे, जब अरिया या कोई अल्लाह का अजाब आने होगा तो हम एक साइड पे हो जाएंगे। एंड यू नो दिस इज़ व्हाट वी थिंक अबाउट, हम अपनी ज़िंदगियों को ऐसे ही सोच रहे होते हैं। लेकिन जब वो चिंगार आई तो छोटे बड़े जवान बुजुर्ग जितने उस बस्ती के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उस चीख की आवाज़ इतनी थी कि उससे कानों के पर्दे फटे और वहाँ जहाँ जहाँ जोग था
वो खड़े खड़े गिरा और वो वासिले जहन्नुम हुआ। फिर आगे है कि बस्ती वाले उन बंदों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं मगर उस पैगंबर नहीं आता मगर उसका तमस्खुर उड़ाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा, ये अल्लाह हमसे सवाल कर रहा है कि जब आपके पास अल्लाह, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि अल्लाह की कोई बात बताने वाले लोग आपके पास आते हैं, कोई हक का पैगाम दे रहे होते हैं, तो वो उनका आज भी तमस्खर उड़ा रहे होते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। याद रखिए कि एक वक्त ऐसा आना है कि जब आवाज़ बुलंद होगी और तमाम वो लोग जो इस कायनात में, इस दुनिया में आए हैं, उनको लब्बैक कहना होगा। अकॉर्डिंग टू सूरह यासीन की इस आयत के अल्लाह फरमा रहा है कि एक वक्त आएगा कि ये सब हमारे रूबरू आएंगे। उस वक्त अल्लाह सुभान व तआला की सलामती, अल्लाह सुभान व तआला की, अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि हम उन लोगों में से हो जाएं कि जिनके बारे में अल्लाह सुभान व तआला आगे जाके इसी सूरत में ये इरशाद फरमाता है कि सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम, उनके हक में अल्लाह की तरफ से सलामती ही सलामती होती है। और उस शख्स जो हबीब नज्जार था, जिसकी गवाही कुरान दे रहा है कि वो हक पे खड़ा हुआ और किस तरह से फिर अल्लाह ने उसको वेलकम किया, अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ है कि, और फिर अल्लाह जहाँ ये कह रहा है कुरान में कि उनके हक में अल्लाह की तरफ से सलामती ही सलामती होगी, वहाँ पर वो जो मुजरिम थे, जिन्होंने बुरा किया, नाहक किया, उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ऐ मुजरिमों, तुम इनसे अलग हो जाओ। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमेशा हमें सलामती वालों में रखे। आइए कुछ लम्हात के लिए हम नज़र डालते हैं, जैसा कि हबीब नज्जार का ये वाक़या हुआ ना, तो हबीब नज्जार का जब आखिरी वक्त था तो जिसका जो बन बढ़ता था, तो आपको एक लम्हे के लिए हम करबला का रुख करते हैं और करबला का रुख करके हम देखते हैं कि एक लम्हा वो भी तो था करबल के मैदान में कि जब इमाम हुसैन इब्न अली तनो तन्हा थे और ये कह रहे थे कि हल मिन्ना सरियन सुरना, कि कोई है जो मेरी मदद को आए, वो भी तनहो तन्हा थे और हक के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, आका के लिए, विलायत के लिए, अलीउन वलीउल्लाह के लिए, किस तरह से इमाम ने अपनी कलमात को बुलंद किया, अपनी हर चीज़ को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हर चीज़ को लुटा दिया, अपना तन मन धन। तो आप ये सोचिए कि वो हबीब नज्जार था, एक शख्स था, एक आम शख्स जिसने सरेआम आके चैलेंज किया। तो हम करबला की तरफ जब रुख करते हैं तो ये वो ज़ात पाक है, ये वो शख्सियत है, ये वो हस्ती है जो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हैं, उनके दिल का टुकड़ा हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिनके बारे में आका बोलते थे, उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ, उनके साथ भी यही तमाम वाक़यात हुए। और किस तरह से वहाँ पर मौजूद लोगों ने किस तरह हमारे मौला को, जो जिसके पास था, जिसके हाथ में मिट्टी थी उसने मिट्टी, जिसके हाथ में पत्थर थे उसने पत्थर मारे, जिसके हाथ में तीर थे, तबर थे, हर चीज़ मारी। तो जो हबीब नज्जार जैसा एक आम इंसान जब वो हक के लिए खड़ा होता है तो वो जन्नत में दाखिल होता है। तो आप ये सोचिए, जो जन्नत के सरदार हैं, तो सोचिए उनका क्या मकाम होगा जन्नत में और किस तरह से उनको वेलकम किया होगा। और फिर जो उनके मानने वाले हैं, जो उनसे प्यार करने वाले हैं और उनका हक अदा करने वाले हैं, उनके लिए, उनकी मोहब्बत में, इश्क में उनके सच बोलने वाले हैं, बुराई से दूर रहने वाले हैं, अपने आप को सीधी रास्ते में रखने वाले हैं, सोचिए उनका अंजाम भी इंशाल्लाह उन्हीं के साथ होगा, जो साथी कौसर के सरदार हैं, जो कौसर पिलाने वालों में से हैं, जो जन्नत बांटने वालों में से हैं। अल्लाह सुभान व तआला से ये दुआ है कि हम उस हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम के मानने वाले हैं कि जिनका जब सर अकदस जो है वो जब बुलंद हुआ
नेज़ों पर जब बुलंद किया गया तो वो उस वक्त भी सूरह कहफ़ की तिलावत फरमा रहे थे। ए अल्लाह, हम इश्क करते हैं हुसैन इब्ने अली से, हम मोहब्बत करते हैं। मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो वसीयत है, उनका एक जुमला है कि ए अल्लाह, ऐसा ना हो कि हमारे लोग जो हैं वो इस कुरान से दूर हो जाएं और वो लोग जो गैर हैं वो फोकियत ले जाएं इस कुरान को समझने में। आज देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बाहर के मुल्कों में, आपको मुख्तलिफ मसालिक में कुरान के साथ की तरफ रग़बत किस कदर ज़्यादा मिलती है। तो क्या ये सबसे ज़्यादा हक हमारा नहीं जो हुसैन अली हसन बीबी फातिमा का नाम लेते हैं कि वो इस कुरान को जिसको कुरान और अहले बैत को जुदा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल दो हाथों की मानंद है। कुरान अली के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है, कुरान और इत्रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ हैं। तो अल्लाह सुभानहु व तआला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस कुरान को, इस किताब को जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसको उस तरह से पढ़ें और तमाम चीज़ें इधर से पढ़कर समझकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि इस साल हम ऐसे ही वाक़यात, ऐसी ही बातें जो हमें फैसिनेट करती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं कुरान से, हम इन सेशंस के ज़रिए कुरान की गुफ्तगू से, कुरान से जुड़ जाएं। और यही मेरा ख़्याल है हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह सुभान व तआला हमें इस कुरान की सरह से कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इस कुरान को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुरानी आयात हैं इनको बहसियत प्रिस्क्रिप्शंस, ये जो होती है ना प्रिस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं जो हमारी रूहानी बीमारियां हैं, हम इन आयात को इस्तेमाल करके अपनी रूहानी बीमारियों से दूर हो सकें। सो टेक ऑल दीज आयात, ऑल दीज यू नो वर्सेस ऑफ कुरान एज द प्रिस्क्रिप्शंस फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट वी कैन यूटिलाइज देम एंड वी कैन बिकम अ बेटर हेल्दी ह्यूमन इंशाल्लाह एंड अ हेल्दी मुस्लिम। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अजल फरजहुम अजमईन।